अक़वामे मुत्तहिदा के क़याम की 75वीं सालगिरह के मौके पर अपने पैगाम में वज़ीरे आज़म इमरान खान ने दुनिया भर में क़याम अमन के लिए जदोजहद करने वालों को खराज तहसीन पेश किया और कहा कि पाकिस्तान को इंसानी हकूक के तहफ्फुज़ और मुतअद्दिद रियासतों की आज़ादी की हिमायत पर अपने किरदार पर फ़ख्र है। आलमी तनाज़ात के हल के लिए पाकिस्तान अक़वामे मुत्तहिदा के साथ कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीरे आज़म ने कहा कि मसला कश्मीर 70 दहाइयों से अक़वामे मुत्तहिदा का नामुकम्मल एजेंडा है और मकबूजा कश्मीर के अवाम अपने हक़ खुद इरादियत के लिए अक़वामे मुत्तहिदा की तरफ देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय फौज कश्मीर में हिंदुत्व और RSS के नजरियात पर अमल पैरा है और 5 अगस्त के भारतीय गैर कानूनी कब्जे के बाद कश्मीर में सूरत हाल बदतर होती जा रही है। सलामती काउंसिल और आलमी बिरादरी कश्मीरियों से मुतालिक करारदादों पर अमल दरामद कराए। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान अपने हक खुद इरादियत के लिए जदोजहद करने वालों की हिमायत जारी रखेगा और आलमी अमन सलामती और इंसानी हकूक के फरोग और तरक्की के लिए किरदार अदा करता रहेगा।